हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वापस से एक नई वीडियो में एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। तो भाई, मैं पहुंच चुका हूं सुल्तानपुर ज़िले सुरौली गांव में। यहां पे एक बहुत विशाल जो है जंगल स्थित है, जो कि अमेजॉन जंगल के नाम से जाना जाता है। तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले भाई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर जो हमारे भाई नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं जो है जंगल के अंदर जो है एंट्री कर चुका हूं, और जो आप जैसा देख सकते हो मेरे पीछे जो है पेड़ ही पेड़ हैं, और जो है अंदर भी अभी मैं शुरुआत में हूं, अभी शुरुआत में ही जंगल के एकदम इंटर हुआ हूं, और अभी आगे जो है दिखाऊंगा आपको अंदर चल के, और अंदर चल के कि कितना घना है, कितना विशाल ये जंगल है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो भाई, अभी मैं थोड़ा जंगल के अंदर आने के बाद मैंने एक पेड़ देखा, ये गिरा हुआ है, फिर भी अभी इसमें जान बाकी है, क्योंकि इसमें शाखाएं जो है अभी भी निकली हुई हैं, और यहाँ से भी निकली हुई है। और भाई, आप जैसा देख सकते हो कितने ऊँचे ऊँचे टीले हैं, आदमी अगर ऊपर से गिरे जान तो नहीं जाएगी, पर जो है आदमी का हाथ पैर जो है टूट जाएगा, आप देख सकते हो। और जो है ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है खाली रास्ता, ये पानी का आने जाने का बहाव है, एक तरह से जो है ये नहर है। ये इसमें आप देख सकते हो, इसमें जो है ये पानी अभी भी बचा हुआ है थोड़ा सा। और आप देख सकते हो कितने ऊंचे ऊंचे टीले हैं भाई, इतने ऊंचे ऊंचे टीले हैं, और टीलों पे जो है पेड़ जो है लगे हुए हैं। तो भाई, ये जो है ये पेड़ जो है पता नहीं किस चीज का है, मालूम नहीं है, मगर है किसी चीज का, किसी जंगली पेड़ है, कोई जंगली पेड़ है। तो भाई, आप जैसा देख सकते हो काफी ऊंचे ऊंचे टीले हैं पहाड़ की तरह, आदमी अगर गलती से भी जो है फिसले तो नीचे बहुत तेजी के साथ गिरेगा, जान भी जा सकती है वैसे। और रात में जो है ना यहाँ पे आने आने के लिए बहुत ही समझ लो कि खतरे से खाली नहीं है भाई। पता नहीं कौन सा पेड़ ये है, ये मोटा वाला, इसमें जो है ना पतली पतली सी जो है एक जो है सुतरी जैसी जो है लटक रही है, जड़ है शायद, और काफ़ी डरावना सा लग रहा है ये, इसे फिल्मों में होता है जो है आप लोग देख सकते हो भाई। ये थोड़ा सा और आने के बाद ये काफ़ी ऊंचा टीला मुझे मिला हुआ है, ये काफ़ी ऊंचा टीला देख रहे हो आप, इतना विशाल जो है पहाड़ की तरह है। यहाँ से डेफिनेटली आदमी गिरेगा तो बचेगा नहीं, मर जाएगा। दोस्तों, ये जो पेड़ है ना, ये जो पेड़ है ये सागवान का पेड़ है, ये जो पेड़ है ये सागवान का पेड़ है। इस जंगल में जितने भी पेड़ हैं 80% 90% जो पेड़ हैं सारे सागवान के लगे हुए हैं, आप जिधर देखोगे सारे सागवान के हैं। तो भाई, वहां पे कुछ आदमी जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ आदमी जो है जा रहे हैं, पता नहीं क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं, क्या जो है कर रहे हैं मालूम नहीं है। और मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, और थोड़ा थोड़ा सा मुझे जो है अंदर से डर सा भी लग रहा है, और मैं अकेला हूँ, कोई साथ में नहीं है, और शाम भी हो रही है धीरे धीरे। तो भाई, जो है इतना लंबा मैं चला आया हूँ, इतना लंबा मैं अंदर
आ चुका हूँ। मुझे रास्ते से दिक्कत हो रही है कि मैं किधर से निकलूं। सामने की तरफ जा रहा हूँ तो सामने चलता ही जा रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता नहीं। पीछे की तरफ जा रहा हूँ तो पीछे भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इधर जा रहा हूँ तब भी पीछे भी कुछ भी नहीं। यार समझ में नहीं आ रहा है कैसे निकलूं यहाँ से, और दिक्कत हो रही है मुझे। शाम भी हो रही है और थोड़ा सा डर सा भी लग रहा है। तो भाई रास्ता ढूंढते ढूंढते मैं थक गया, पर मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। और जो है चलते चलते मैं थक गया और बैठ गया यहाँ पे। जो है यहाँ पे कहीं से भी रास्ता नहीं मिल रहा है। आगे जा रहा हूँ तो जंगली जंगल, पीछे जा रहा हूँ तो जंगली जंगल। समझ में नहीं आ रहा किस तरफ से मैं अंदर आया था और किस तरफ मैं जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो भाई मैं अभी जैसे उठा हूँ फिर से कोशिश करने के लिए किसे किधर से रास्ता मिल जाए, किधर से मैं निकलूं। सोच रहा हूँ कोई जो है आदमी मिल जाए, कोई जो है इंसान मिल जाए तो उसके साथ में जो है मैं निकलने की कोशिश करूं। पर यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, कोई जो है आदमी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। समझ में नहीं आ रहा कैसे निकलूं यहाँ से। तो दोस्तों फाइनली जो है मुझे एक चाचा जी मिल चुके हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ये रास्ता किधर से जो है निकलना होगा, कहाँ से एग्जिट मारना होगा। तो चाचा बताइए इधर कहाँ बाहर कैसे निकलेंगे? इधर से जाके आगे से जी, और उधर से बाहर घूम जाना जी जी जी, ऊपर चढ़ जाओगे जी जी जी, ऐसे सीधे जाके? हाँ सर, सीधा जाके हाँ, आगे से चढ़ जाने के। आगे से चढ़ जाना है। थैंक यू चाचा, थैंक यू। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक चाचा हमको मिल गए और उन्होंने मुझे रास्ता बता दिया कि ऐसे जाके जो है एग्जिट कर लोगे। तो भाई अभी जो है मेरे सांस में जो है सांस आई है, जान में सांस आई है, सॉरी। तो भाई अभी मेरे को थोड़ा सा तसल्ली हुआ है बाहर निकलने के लिए। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे एग्जिट मारते हैं। तो दोस्तों ये चाचा हमारे इधर से बताए थे कि इधर से ऐसे चढ़ जाना, ऐसे निकल जाओगे। तो मैं जो है प्रयास कर रहा हूँ इधर से निकलने के लिए, कोशिश कर रहा हूँ और देखता हूँ कि किधर पहुँचते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं बाहर आ गया, मुझे जो है बड़ी खुशी हुई। और जो है और दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे जो है आपने नहीं देखा, मैंने दिखाया भी नहीं, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो है ये जो है यहाँ पे घेराव भी हुआ है, RCC का जो है ये लगा हुआ है और काफ़ी मोटे तारों से इसको घेरा गया है और जो है काफ़ी दूर तक घेरा गया है। आगे भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो भाई यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो, यहाँ से घेराबंदी की गई हुई है। ये अंदर जंगल में आता है और ये बाहर जो है खेत वगैरह है। ये जो है ये लाइन बाय लाइन जो है, स्टेप बाय स्टेप जो है ये पिलर को गाड़ा गया है और मोटे तारों से बड़े अच्छे से इसको घेरा गया है ताकि कोई अंदर जा ना सके। भाई बताया जाता है कि ये घेरने का रीज़न ये है कि जो है यहाँ पे काफ़ी जो है ख़तरनाक जानवर रहते हैं और इसीलिए इसको घेरा गया ताकि ये गांव पड़ता है, घर पड़ता है, सब कुछ पड़ता है, लोग आते जाते हैं, ताकि यहाँ पे जो है कोई जानवर हमला ना करे। मेरे मतलब बताने वाले बताते यही हैं, बाकी कोई कंफर्म नहीं है कि किस वजह से इसको घेरा गया है। और काफ़ी दूर तक इसको घेरा गया है, देख सकते हैं आप लोग, ये ऐसे घेरा गया है। तो भाई यहाँ से ऐसे घेरते हुए गए हैं लेके, और कुछ यहाँ से इस हिस्से से जो है घेरते हुए ऐसे नीचे की तरफ गया हुआ है, दो तरफ से घेरा गया है इसको। तो भाई आप लोग जैसा देख सकते हो, ये जो है यहाँ काफ़ी दूर आने के बाद भी ये है घेराव जो है लगा हुआ है, घेरा गया है काफ़ी दूर तक, शायद घेरा गया है। और काफ़ी दूर मैं चला, जंगल से काफ़ी दूर चला आया हूँ, फिर भी ये घेरा हुआ है। पहले मैंने इसको नहीं देखा, पर जो है निकलने के बाद बाहर एग्जिट
करने के बाद जो है मैंने उसको देखा कि ये घेरा गया है।